Study of means of communication. Nowadays, world becomes a global world. In economic geography, we study the means of communication in detail like internet, fax, telex, mail, and teleconferencing. These things are necessary in commercial trade and business for quick access. So, the commercial geography provides the base for the means of communication. Means of communication जिनको राब्ते के ज़रिए कहते हैं, जैसे डाक का निज़ाम है, जैसे इंटरनेट है, जैसे टेली कम्युनिकेशन है, फैक्स है या मेल है या टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सारे राब्ते के ज़रिए हैं। और ये सारे राब्ते के ज़रिए किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए ये कमर्शल जोग्राफी में पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ें, Study of means of irrigation. Irrigation means artificial application of water to land to fulfill the basic needs of plants. Food is the basic need of human beings. To fulfill this need, we must need to increase agriculture, which is not possible without water. All the world regions are not self-sufficient in rainfall, so agriculture is done by irrigation. So we use different means of irrigation like dams, ponds, tube well and canals, etc. In commercial geography, we study about all these resources with latest advancement to increase the agriculture production. The study of the means of irrigation. Mean of irrigation होते हैं आपाशी के ज़रिए, ठीक है। तो आपाशी क्या होता है कि अगर किसी इलाके में बारिश नहीं होती या पानी कम होता है तो नकली ज़रियों से पानी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट के लिए उसको। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर आप देखते हैं ट्यूबवेल्स होते हैं, कुएं होते हैं और नहरें होती हैं जिनको के इरिगेशन पर्पसेस के लिए, आपाशी के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो हर एक मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के आपाशी के ज़रिए दस्तयाब हैं और कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर इनकी स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे ही हमारी तिजारत और मुआशी तरक्की में इजाफा होता है। कंक्लूजन So with the study of geography, we may know about the diversified riches of the earth, which are vast sources of human enjoyment, and therefore, man's highest development requires that we put these riches into a common world stream of understanding and use. This can only be achieved through the study of economic geography. तो conclusion का क्या होता है, मतलब नतीजा। अगर हम पिछली सारी डिस्कशन को, जो हमने क्वेश्चन शुरू किया था, हमने कहा था कमर्शियल ज्योग्राफी क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, तो हमने देखा कि कमर्शियल ज्योग्राफी प्रोवाइड करती है रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। और हमने देखा कि मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनको अगर हम इम्प्रूव करते हैं, बेहतर करते हैं, तो कमर्शियल ज्योग्राफी तिजारत को और मुल्क की तरक्की को बेहतर बना रही होती है। तो इस सारे स्टडी से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि कमर्शियल ज्योग्राफी एक बहुत अहम सब्जेक्ट है। इसका अगर हम पढ़ते हैं तो उसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ तरीके निकाल सकते हैं जिसको कि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेट को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ऐसा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको मैंने जब लेक्चर देना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि 3 दिन हमारे लेक्चर होंगे, वो क्या था, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। लेकिन किसी वजूहात की वजह से आप लोगों का ट्यूसडे को लेक्चर नहीं हो सका था, इसलिए आपका इस वीक जो है वो लेक्चर वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को क्या है। लेकिन नेक्स्ट वीक आपका लेक्चर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को ही होगा। और उसके अलावा मैं आपसे, आपको ये मैंने पहले भी बताया था कि आपने अब अपनी जो कॉपीज़ हैं उसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 नीट मुझे लिख के और अपनी असाइनमेंट मुझे आपने व्हाट्सएप करनी है, मैं उसको चेक करूँगी और नेक्स्ट वीक फिर मैं आप लोगों के इसके मुताबिक ही दूसरे हर एक बच्चा जो जो लेक्चर पढ़ेगा मुझे ग्रुप के अंदर अपनी अटेंडेंस देगा तो तब अटेंडेंस लगेगी, वरना आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगेगी, अटेंडेंस नहीं लगेगी तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।